इंदौर में टैली कॉलिंग में काम करने वाली 25 वर्षीय युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले युवक के खिलाफ शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पूर्व में भी युवती के द्वारा आरोपी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया गया था, जिसमें जमानत पर छूटने के बाद युवक ने पीड़िता को धमकाया भी था। दरअसल पलासी थाना क्षेत्र इलाके में रहने वाले 25 वर्षीय पीड़ित युवती ने शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी एक साल पहले टेलीकॉलिंग ऑफिस में ही नवीन नामक युवक से दोस्ती हुई थी। दोस्ती प्यार में बदल गई और नवीन शादी का कहकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए और शादी से इनकार कर दिया। हालांकि पीड़िता ने पूर्व में भी नवीन के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया था, जहां न्यायालय से जमानत के बाद लगातार नवीन पीड़िता को धमकी दे रहा था। पीड़ित युवती ने हिम्मत कर दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में शिकायत पुलिस को दर्ज करवाई। बताया जा रहा है कि नवीन मंडला का रहने वाला है और यहां पर युवती के साथ ही टेलीकॉलिंग कंपनी में काम करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश। बालिक पीड़िता थाने पर आई थी, जिसके द्वारा बताया गया कि उसकी दोस्ती एक नवीन नाम के लड़के से हो गई थी, तो उसके साथ वो रिलेशन में आ गई और उसने कहा कि मुझे शादी की कहता रहा वो, तो मैं शादी कर लूँगा। और उसके साथ वो जब रही तो उसने बताया कि 16/10/22 से उसने उसके साथ शादी का झांसा दे के गलत कार्य किया है। और उसके बाद वो जब शादी की बात उसने बोली तो उसने बोला कि मेरी बहन और भाई की हो जाएगी तो मैं शादी कर लूँगा, लेकिन उसके बावजूद भी इसने वेट किया और शादी नहीं की। तो फिर पीड़िता ने आके यहाँ पर रिपोर्ट की है कि वो उसे डराता धमकाता रहा, इसलिए वो पहले रिपोर्ट नहीं कर पाई, अब वो आके रिपोर्ट कर रही है। तो इस पर मामला कायम कर लिया गया है और अग्रिम विवेचना की जाएगी। आरोपी आज कायम ही हुई है, अब जल्दी आरोपी गिरफ्तारी का। ये आरोपी इंदौर से बाहर के जिले का है। ये दोनों एक टेली कंपनी में काम करते थे, दोनों वहीं पे इनकी मित्रता हुई थी और दोस्ती होने के बाद ये एक साथ रहने भी लगे थे। तो चूंकि थाना क्षेत्र में रह रहे थे इसलिए यहाँ पे। सर कौन है नाम? आरोपी नवीन है, जो कि इंदौर जिले के बाहर का रहने वाला। सर किन धाराओं में? धाराएं हैं 376 2N और 506 के अंतर्गत बात है।